धर्मनगरी और रामनगरी अयोध्या में 22 जनवरी को प्रभु श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन होने जा रहा है, जिसके तहत रुद्रप्रयाग के कोठगी गांव की महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि कोठगी गांव की महिलाओं ने 3 दिवसीय भव्य रामलीला मंचन का आयोजन शुरू कर दिया है। तो वहीं दूसरी ओर महिलाएं बड़े जोश के साथ में 3 दिवसीय रामलीला मंचन में शानदार अभिनय भी कर रही हैं। इसी क्रम में आयोजित रामलीला मंचन की मुख्य अतिथि बीजेपी महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष सबिता भंडारी ने कहा कि यह गौरव की बात है कि श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। रुद्रप्रयाग से संवाददाता सत्यपाल ने की रिपोर्ट। हमने अपने ग्रह समारोह में 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा है। इसमें हम सभी महिलाएं भागीदार हैं और हम 32 साल में इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। हमारे गांव में 32 साल से कोई भी रामलीला नहीं होती थी। हमने उत्साहित होकर हम सब महिलाओं ने एकता होकर के हमने सारे प्रोग्राम बनाए कि हम भी अपने गांव में रामलीला का करेंगे। जय श्री राम। हमारे यहाँ पर हम महिलाओं ने राम मंदिर के उपलक्ष्य में पहली बार हरी रामला का महोत्सव का होगा और हमारे ये दशरथ महाराज, ये वशिष्ठ महाराज, ये सारी महिलाएं समय ये कार्यक्रम करवा रही और हम आप समस्त क्षेत्रवासियों से अनुरोध कर रहे हैं कि 22 तारीख हमारे इसमें बहुत भव्य रामलीला मंथन हो, बहुत भव्य रैली निकाल हो और आप सब लोग अधिक से अधिक संख्या में ये मनोकष्ट करें। मैं ये कहूँ कि श्री राम जी के स्वागत में ग्राम सभा कोटगी वालों ने 3 दिन का भव्य आयोजन कार्यक्रम रखा है, जिसमें हमारी महिला मंगल दल की मातृ शक्ति ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है और तीसरे दिन हमारे जो रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होना है उसके उपलक्ष्य में ही उस दिन भव्य कार्यक्रम होगा। उसमें हमारे 10-12 गांव इसमें यहां पे भव्य आयोजन का बहुत बड़ा कार्यक्रम है।